हालेलुया, शालोम एवरीवन। मेरी तरफ से तमाम मसीह टीवी देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। हालेलुया, मसीह जवान प्रोग्राम में मेरे अजीजों हम आपको वेलकम करते हैं, आपको ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं खुदावंद की इस जिंदा हजूरी में जहां पर खुदावंद का तख्त लगा है, खुदावंद खुद मौजूद है, खुदावंद की प्रेजेंस है। खुदा ने कहा जब दो या तीन लोग मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां पर मौजूद होऊंगा। मेरे अजीजों खुदावंद की पाक हजूरी यहां पर मौजूद है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके पाक नाम को, ऊंचे नाम को जलाल देते हैं और उसके ताकतवर नाम को अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं। उसके वर्ड ऑफ गॉड को, उसके कलाम मुकद्दस के साथ हम अपनी जिंदगियों को बांधते हैं और अपनी लाइफ में खुदावंद के बड़े कामों को वेलकम करते हैं, क्योंकि खुदावंद बड़ा है मेरे अजीजों, उसके काम भी अद्भुत हैं, बड़े हैं। हालेलुया, हैरत अंगेज, अजीबो गरीब, अमेजिंग तरीके से खुदावंद हमारी जिंदगियों में काम करता है, क्योंकि वो खुद एक अजीब खुदा है, वो खुद एक बड़ा खुदा, एक ताकतवर खुदा है, जिसकी ताकत के सामने हर एक ताकत छोटी पड़ जाती है, जिसने मुझे बनाया, आपको बनाया, इस दुनिया को बनाया मेरे अजीजों। हालेलुया मेरे अजीजों, आज के मसीह जवान प्रोग्राम में हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि आज के जो जवान हैं, हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे मेरे अजीजों कि आज के जो जवान हैं, अगर वो हम्बलनेस में, आजजी में अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, गुजारते हैं, तो वो खुदा के किस कदर बड़े कामों को अपनी लाइफ में देखेंगे। और आखिर एक नौजवान जो है वो आजजी में जिंदगी क्यों गुजारे, ये आपका राइट बनता है क्वेश्चन करना। आप अगर जिस बात में इंटरेस्ट रखते हैं, आप जिसको, जिस बात को आप सच में अपनी लाइफ में उसके उसको जानना चाहते हैं, तो आप उस बात को लेकर क्वेश्चनिंग जरूर करेंगे। आज की यूथ अगर क्वेश्चन कर रही है कि आखिर हम क्यों आजजी में जिंदगी गुजारें, हमें क्या मिलेगा आजजी में जिंदगी गुजारने से, आखिर हम क्यों आजजी में जिंदगी गुजारें, किसने कहा है हमें आजजी में जिंदगी गुजारने का। मेरे अजीजों, हमारा बाप यीशु कहता है कि जैसे मैं कामिल हूँ तुम कामिल बनो, जैसे मैं हम्बल हूँ आजीज हूँ तुम हम्बल बनो, मैं तुम्हारे लिए एक नमूना हूँ, जैसा मैं हूँ तुम भी वैसा ही बनो। हमें आजजी में रहना है और हमें आजजी में जिंदगी गुजारने से हमें क्या फायदा, हमें क्या 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 हमें क्या मिलेगा, आखिर हमारी लाइफ में इसका क्या फायदा होगा अगर हम हम्बलनेस में जिंदगी अपनी गुजारते हैं। तो मेरे नौजवान बहन भाइयों, आपके लिए हम्बलनेस में जिंदगी गुजारना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान का जो अटैक है वो यूथ पर, आज की यूथ पर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि खुदा यूथ को बेशुमार पसंद करता है, प्यार करता है, और खुदा चाहता है कि मैं यूथ को ज्यादा से ज्यादा यूज करूं, क्योंकि यूथ पर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि खुदा यूथ को बेशुमार पसंद करता है, प्यार करता है, और खुदा चाहता है कि मैं यूथ को ज्यादा से ज्यादा यूज करूं, क्योंकि उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर जो यूथ का है, खुदावंद उससे बड़े कामों को लेना चाहता है। उसकी एक जिंदगी पड़ी हुई है मेरे अजीजों, यूथ की आज की एक जिंदगी आपकी आगे पड़ी हुई है, एक जिंदगी का हिस्सा है मेरे अजीजों, जिसमें आपको बढ़ना है, फलना है। क्यों? खुदा ने कहा है कि फलो बढ़ो जमीन पर, मामूर होते जाओ। ये वर्ष आपके लिए आपकी जिंदगी के साथ बंधी जा चुकी है मेरे अजीजों, मेरे नौजवान बहन भाइयों, ये आपकी जिंदगी के साथ ये वर्ष बंधी जा चुकी है। आपको इस वर्ष के अकॉर्डिंग शैतान देख रहा है, आपको इस वर्ष के ऊपर ठहरा हुआ देख रहा है, इस वर्ष को आपकी जिंदगी पर ठहरा देख रहा है, और इसलिए वो नहीं चाहता कि आप वो फ्रूट, वो ब्लेसिंग्स और वो खुदा का दाहिना हाथ, खुदावंद की पावर को आप इंजॉय करें, खुदावंद के मसा को आप इंजॉय करें, वो नहीं चाहता। इसलिए वो सबसे पहले क्या करेगा, वो आपको हम्बलनेस से निकालेगा, आपको आपके अंदर से जब हम्बलनेस को निकालेगा, तो मेरी अजीजों आपकी जिंदगी का हर एक हिस्सा मुतासिर होगा, हर एक हिस्सा आपकी जिंदगी का अफेक्ट करेगा, और बैड अफेक्शन आप अपनी लाइफ में देखेंगे अगर आप हम्बलनेस में नहीं, अगर आप आजजी में नहीं है। हम खुदावंद के कलाम में से मेरे अजीजों देखते हैं पहला पत्रस, और उसकी हम देखते हैं पहला पत्रस फिफ्थ चैप्टर और उसकी हम देखेंगे फिफ्थ वर्स। ए जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबिया रहो। ए जवानों, मेरे अजीजों खुदा का कलाम कह रहा है, ए जवानों, आपसे यूथ, आपसे खुदा का कलाम बोल रहा है, आपसे खुदा आज बात कर रहा है कि ए जवानों बुजुर्गों के ताबिया रहो, बल्कि सबके सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो।
हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि अपने बड़ों की इज्जत करो, उनके ताबियादार रहो, उनके फरमा बरदार रहो। और खुदा कहता है कि सब इस एक सब एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमरबस्त रहो। कि खुदा कहता है कि हम्बलनेस के साथ, आजजी के साथ, फरोतनी के साथ एक दूसरे की खिदमत करो, एक दूसरे का साथ। खिदमत करना मेरे अजीजों क्या है कि जहां पर आपको लग रहा है कि इस शख्स को जो मेरी सराउंडिंग में है, इसको मेरी हेल्प की जरूरत है, तो मेरे अजीजों आपको उठना है, आपको उसकी हेल्प करना है। आप जितना कर सकते हैं आप उतना तो मेरे अजीजों करें, आप उसकी हेल्प करें। और खुदा कहता है कि एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। अगर प्राउडनेस है किसी इंसान के अंदर तो वो खुदा का कलाम कहते हैं कि गिरने से पहले घुमंड आता है, सरफराजी से पहले आजजी आती है। इम्साल की किताब में ये वर्स लिखी हुई है मेरे अजीजों, मैं फिर से रिपीट करूंगी। खुदा का कलाम कहता है मेरे अजीजों, नौजवानों, गिरने से पहले घुमंड आता है और सरफराजी से पहले आजजी, फरोतनी, हम्बलनेस आती है। आप अपनी लाइफ में ऊंचा होने के लिए, सरफराज होने के लिए, कामयाब होने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम्बलनेस को सबसे पहले अपनाएं। हम्बलनेस एक आपकी जिंदगी में एक बड़ा बिग सपोर्टर बन के आपकी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। आगे देखें, पास खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। खुदा के किस हाथ के नीचे? खुदा के कवि ताकतवर हाथ के नीचे। आप यहाँ पे मेरे अजीजों, खुदा आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा अपने रुपए पैसे के नीचे, अपने ओहदे के नीचे, या अपनी जिंदगी की उस चीज जिसको आप अपनी सबसे बड़ी पावर मानते हैं कि ये मेरी पावर है, अगर ये मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो दुनिया में कोई भी चीज हो सकती है, आप अपने पेरेंट्स लगा लें, आप अपने कोई भी पोजीशन लगा लें, आप वो अपने रुपए पैसे को लगा लें, कोई भी चीज जिसको आप पावरफुल समझते हैं और आप कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी में अगर है तो मुझे कोई भी नहीं मेरी जगह से हिला सकता, तो लेकिन ये गलत है। ऐसा करना, ऐसा सोचना गलत है। क्यों? क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा के कहता है कवि खुद पास खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। अब खुदा कह रहा है कि ताकतवर जो चीज है वो खुदा का हाथ है। खुदा के हाथ के कवि मतलब ताकतवर हाथ के नीचे तूने फरोतनी से रहना है। जब तो खुदा के ताकतवर हाथ के नीचे फरोतनी से रहेगा तो खुदा कहता है कि वो वक्त दूर नहीं है जब मैं तुझे ऊंचा करूंगा, सरफराज करूंगा। ऊंचा सरफराज क्या मेरे अजीजों? इसका मतलब ये है कि तेरी वो पोजीशन, वो जगह, वो ड्रीम, वो तेरी इमेजिनेशन, वो तेरे प्रेयर रिक्वेस्ट जो तुम मांग रहे हैं मुझसे, मैं तुझे उधर तक फौरन ले जाऊंगा अगर तू हम्बलनेस को, फरोतनी को, आजजी को शो करता है और खुदा के दाहिने हाथ के नीचे, ताकतवर हाथ के नीचे, आजजी के साथ अगर तू ठहर कर मेरा वेट करता है। खुदा कहता है तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब तू अपनी मंजिल तक, अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाएगा, मैं तुझे ले जाऊंगा। हालेलुया। और इससे आगे देखिए, मेरे जाऊंगा अगर तू हम्बलनेस को, फरोतनी को, आजजी को शो करता और खुदा के दाहिने हाथ के नीचे, ताकतवर हाथ के नीचे, आजजी के साथ अगर तू ठहर कर मेरा वेट करता है, खुदा कहता है तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब तू अपनी मंजिल तक, अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाएगा, मैं तुझे ले जाऊंगा। हालेलुया। और इससे आगे देखिए, मेरे जैसे ये चीज बताती है हमें कि आजजी में रहना हमें हमारे लिए जरूरी है। हमारी जो जिंदगी, हमारी लाइफ का गोल, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर, हमारी हम्बलनेस पर डिपेंड करता है मेरे अजीजों। हम्बलनेस हमारे लिए एक मेरे अजीजों एक स्ट्रॉन्ग वेपन कह लेके हमारी लाइफ में है। हम्बलनेस हमें आगे लेकर जाएगी, खुदा का कवि हाथ हमें आगे लेकर जाएगा, सबर हमारा हमें आगे लेकर जाएगा, आजजी हमें ऊंचा और सरफराज करेगी। हालेलुया। आगे देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। अब खुदा कह रहे हैं कि अपनी जितनी भी फिक्रें, जितनी भी तुझे टेंशन हैं, परेशानी अपनी लाइफ में, तू कहता है कि मेरा ये भी काम नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, मुझे इसकी भी फिक्र है, इसकी भी फिक्र है आपकी लाइफ में,
थाउजेंड्स ऐसे काम है, ऐसी फिक्रें, ऐसी सोचे हैं जिनको आप, जिन पर ओवरकम नहीं कर पा रहे, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, काबू में नहीं लेकर आ पा रहे। आपने अपनी पूरी फोर्स लगा ली, पूरी ताकत लगा ली, लेकिन आपसे संभाली नहीं जा रही, आपसे आपकी सिचुएशंस कंट्रोल नहीं की जा रही। तो खुदा कहता है कि तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, सारी फिक्रें तुम मुझे पर डाल दो, उसको तुम्हारी फिक्र है। मेरे अजीज, जब हमारे पेरेंट्स हमारी फिक्र करते हैं तो हमारे लिए हर वो कोशिश कर लेते हैं जो उनके लिए बनती पड़ती है, जो उनके लिए पॉसिबिलिटी होती है। हर 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 हद तक वो हमारे लिए चले जाते हैं कि हर लीगल लिमिट तक वो हमारे लिए चले जाते हैं कि कहाँ तक मैं अपने बेटे या बेटी की मदद कर सकता हूँ। वो करते हैं जितना उनसे बनता पड़ता है मेरे अजीजों, वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदा कह रहा है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। एक जमीनी बाबा, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हमारी इतनी फिक्र करते हैं कि वो हमारे लिए जितनी उनकी लिमिट होती है उधर तक वो चले जाते हैं, जितना वो कर सकते हैं उतनी वो हमारे लिए मदद करते हैं, हमारे लिए कोशिश करते हैं, हमारा साथ देते हैं। तो जब हमारा आसमानी बाप कह रहा है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, तो मेरे अजीजों, खुदा हमारा जो आसमान पर है वो किस कदर हमारी फिक्र कर रहा है, और वो किस कदर हमारे लिए रास्तों को ओपन कर सकता है, वो हमारे लिए किस कदर बड़े कामों को कर सकता है। वो खुदा का कलाम मेरे अजीज़ को कहता है, मैं नामुमकिनात का खुदा हूँ। नामुमकिनात का खुदा कौन सा खुदा, कैसा खुदा? वो खुदा जो हमारी जिंदगी में हमारी सोच कदर हमारे लिए रास्तों को ओपन कर सकता है, वो हमारे लिए किस कदर बड़े कामों को कर सकता है। वो खुदा का कलाम मेरे अजीज़ को कहता है, मैं नामुमकिनात का खुदा हूँ। नामुमकिनात का खुदा कौन सा खुदा, कैसा खुदा? वो खुदा जो हमारी जिंदगी में हमारी सोचो, इमेजिनेशन, हमारी लाइफ में, हमारे सरकमस्टांसिस में, इम्पॉसिबल वर्क को, सिचुएशंस को, कामों को, हालातों को, सरकमस्टांसिस को देखता है, उनके कहता है कि वो तेरे लिए जो नामुमकिन है मेरे लिए वो ही चीज सबसे पहले मुमकिन है। मैं नामुमकिनात का खुदा हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा को आपकी और मेरी फिक्र है। मेरे नौजवान बहन भाइयों, खुदा को आपकी और मेरी फिक्र है। खुदा को हमारी नामुमकिन सिचुएशंस को मुमकिन बनाना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना, खुदा कहता है मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि तेरी लाइफ में कौन सा वर्क कब और कैसे करना है, मैं करूँगा। बस आजजी के साथ, हम्बलनेस के साथ मेरे कवि ताकतवर हाथ के नीचे तू ठहरा रहा, और अपनी फिक्र मुझ पर छोड़ दे, बस इतना तू कर। हालेलुया। अगर मेरे अजीजों, आज का यूथ जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजन ले लेता है, तो एक बात को आप हमेशा याद रखें, आपकी लाइफ का छोटा सा डिसीजन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में लेकर जा सकता है। छोटा सा रॉन्ग डिसीजन और जल्दबाजी का डिसीजन, जो कि जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं बच्चे बच्चियां, वो आपको बहुत बड़ी मुश्किल में लेकर जा सकता है, जिसमें से निकलते निकलते आपके कई साल वेस्ट हो सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हम अपनी लाइफ का टाइम पीरियड क्यों वेस्ट करें, जब हम आज खुदा के कलाम को जान रहे हैं और सुन रहे हैं कि हमारी वो सिचुएशन जो हमसे हैंडल नहीं हो पा रही, हमारे हम कहते हैं कि अब बस हम हार चुके हैं, हमारे हाथ खड़े हैं। जहां हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं, वहां पर खुदा कहता है कि तेरी लाइफ का तो ये काम सबसे छोटा है, इसको तो मैं एक सेकंड में कर सकता हूँ, और खुदा कर देता है। अगर हम हम्बलनेस के साथ, आजजी के साथ, खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, अड़े रहते, खड़े रहते, अपनी फिक्रें उस पर डालते हैं। तुम होशियार रहो और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। अब खुदा हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मेरे नौजवान बहन भाइयों, मेरे अजीजों, आज की यूथ, खुदा आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि शैतान जो है शेर बब्बर की तरह क्या है, ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। वो इस तलाश में शैतान के, वो किसको, किस इंसान को मुश्किल में फंसा हुआ देखे और उसकी उस सिचुएशन को यूज जा सकता है, जिसमें से निकलते निकलते आपके कई साल वेस्ट हो सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हम अपनी लाइफ का टाइम पीरियड क्यों वेस्ट करें, जब हम आज खुदा के कलाम को जान रहे हैं और सुन रहे हैं कि हमारी वो सिचुएशन जो हमसे हैंडल नहीं हो पा रही, हमारे से हमारे हम कहते हैं कि
अब बस हम हार चुके हैं, हमारे हाथ खड़े हैं, जहां हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं वहां पर खुदा कहता है कि तेरी लाइफ का तो ये काम सबसे छोटा है, इसको तो मैं एक सेकंड में कर सकता हूँ, और खुदा कर देता है अगर हम हम्बलनेस के साथ, आजिजी के साथ, खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, अपनी फिक्रें उस पर डालते हैं। तुम होशियार रहो और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है किसको कि किसको फाड़ खाए। अब खुदा हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मेरे नौजवान बहन भाइयों, मेरे अजीजों, आज की यूथ, खुदा आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि शैतान जो है शेर बब्बर की तरह क्या है, ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। वो इस तलाश में शैतान के, वो किसको, किस इंसान को मुश्किल में फंसा हुआ देखे और उसकी उस सिचुएशन को यूज करके उसको और ज्यादा गिरा दे, इतना गिरा दे कि उसको उठते उठते सालों लग जाए और उसके ऊपर जो खुदा के काम की बुलाहट है, जो खुदा ने जिस मकसद के लिए उसे जमीन पर भेजा है, वो मकसद पेंडिंग हो जाए, उसमें डिले आ जाए। मेरे अजीजो, आज की यूथ गौरे तलब बात है, आप गौर से सुने इस बात को कि अपनी लाइफ में डिले को मत आने दे जल्दबाजी के डिसीजन करके। सबर रखें, इत्मीनान रखें, खुदा की आवाज को सुने, खुदा की कलाम को पढ़ें, उससे गुफ्तगू करें, अपनी स्पिरिट खुदा के स्पिरिट के साथ कनेक्ट करें। खुदा जैसा आपसे बोलता है आप वैसा अपनी लाइफ में करें। खुदा अपने कलाम से, अपने नबियों से, अपने खादमों के जरिए मेरे अजीजों आपसे बोलता है। आज जो आप प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरे मसीह जवान, ये खुदा की स्पेशल आपके लिए वॉइस है। कभी भी डरना नहीं, घबराना नहीं, आपने खुदा के हाथ के नीचे, कभी हाथ के नीचे आजिजी के साथ, फरोतनी के साथ, जल्दबाजी के साथ नहीं मेरे अजीजों, फरोतनी के साथ खड़े रहना, सब्र के साथ, ताकि शैतान को आपकी लाइफ में, डेवल को आपकी लाइफ में आपको फाड़ने का, गिराने का मौका ना मिले। खुदा कहता है तुम होशियार और बेदार रहो, होशियार रहो। खुदा आपको अलर्ट कर रहा है, नौजवानों आपको अलर्ट कर रहा है कि होशियार रहो, बेदार रहो। किस में बेदार हो? जागते रहो, उठे रहो, रूह में बेदार रहो, खुदा से जुड़े रहो। सोना नहीं है रूह में, जागते रहना है लाइफ में, डेवल को आपकी लाइफ में आपको फाड़ने का, गिराने का मौका ना मिले। खुदा कहता है तुम होशियार और बेदार रहो, होशियार रहो। खुदा आपको अलर्ट कर रहा है, नौजवानों आपको अलर्ट कर रहा है कि होशियार रहो, बेदार हो। किस में बेदार हो? जागते रहो, उठे रहो, रूह में बेदार रहो, खुदा से जुड़े रहो। सोना नहीं है रूह में, जागते रहना है। जो रूहानी नींद नहीं सोता, रूहानी जागता रहता है, रूहानी होश में होता है, वो शैतान के चुंगल में नहीं फंस सकता। हालेलुया। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में है ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। जो दुनिया में है मेरे अजीजों, ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो। खुदा कहता है कि उसका मुकाबला करो। अब मेरे अजीजों, आपको और मुझे खुदा ने कहा है किसका? हमने अपने दुश्मन का, शैतान का मुकाबला करना है, अपनी सिचुएशंस का मुकाबला करना है, अपने हालातों का मुकाबला करना है। मजबूत होकर, कैसे मजबूत होकर? आजजी में रहकर, खुदा के कवी हाथ, ताकतवर हाथ के नीचे ठहर कर। खुदा कहता है कि मजबूती से और खुदा को खुदा जानकर, अपने साथ जानकर उसका, शैतान का मुकाबला करो। तुम्हारे भाई जो दुनिया में ऐसे ही दुख उठा रहे हैं, तब अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दि जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दुल आबाद उसी की सल्तनत रहे, आमीन। मेरे अजीजों, अब खुदावंत का कलाम कह रहे हैं कि जब तू एक मुश्किल से गुजरता है, फरोतनी से ठहरा रहता है, आजजी से, हम्बलनेस के साथ ठहरा रहता है, तो वो एक थोड़ी मुद्दत का जो तू बर्दाश्त करता है दुख को, उसके बाद एक बड़ा फजल तेरी जिंदगी में, बड़े खुदा कहता है कि एक हैप्पीनेस को, खुदा की ग्लोरी को, जलाल को, टेस्टमनीज की लाइनें लग जाती हैं फिर आपकी जिंदगी में, उस थोड़े से वक्त को हम्बलनेस के साथ गुजारने के बाद। आज का नौजवान हम्बलनेस में रहना, खुदा के कलाम से सीखे, ज्यादा से ज्यादा खुदा के कलाम को पढ़े, ताकि खुदा का कलाम मेरे अजीजों आपके अंदर आए, आपको सब्र और इत्मीनान मिले, आजजी का एक गिफ्ट आपके अंदर आए, और आप आजजी में रहकर अपनी जिंदगी के बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े हालातों को आप
इस तरह से कर लें जैसे कि ये आपके लिए एक बहुत मामूली और छोटा काम है और दुनिया देखे कि सच में ये काम करने वाला ये इंसान नहीं बल्कि इसके यहोवा ने इसका साथ दिया है तो ही ये यहाँ तक पहुंचा और सरफराजी कामयाबी को इसने अचीव किया, अपनी रियल डेस्टिनी को इसने अचीव किया। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल।